हेलो बच्चों, और ये वीडियो 37 डेज अभी आप लोगों ने देख लिया। ये वीडियो 36 डेज का है और इसमें हम लोग आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और ये मुझे लगता है हर बच्चे के मार्क्स को 5 to 10% मिनिमम बढ़ा सकता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इवन यू कैन गेट 20 to 30% ऑल्सो। 20 to 30% नेचुरली उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो बहुत लो स्कोर कर रहे हैं। जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके लिए 5% बढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये एक्सपेरिमेंट मेरा अपना यूज किया हुआ एक्सपेरिमेंट है और ये हर साल अपने मैं आखिरी बैच के जो आखिरी में बच्चे रह जाते हैं उनके साथ शेयर करता हूँ। और आज मैं अपने उन सारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। और ये जो मेरा ये जो रूल है, ये जो मेथड है, ये तरीका जो मैं यूज करता हूँ, जो खुद के साथ यूज किया था, हो सकता है, एक डिस्क्लेमर है, सबको बेनिफिट ना करे तो अभी बता देना सही रहता है, क्योंकि अभी मैं 1 महीने से भी ज्यादा टाइम एग्जाम में बचा हुआ है तो अभी मैं बताऊंगा। तो आप अपने 1-2 टेस्ट में इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपको बेनिफिटेड लगे, जैसा मुझे उम्मीद है लगेगा, तो आप इसे यूज करना, नहीं तो मत यूज करना। एक बात और मेरा मानना है कि एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज 36-37 डेज पहले ही बता रहा हूं, सो दैट आप 2-3 टेस्ट में देखो और फिर इसको यूज करो। अब ये मेथड है क्या, हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल एस्पिरेंट 99.9% क्या करता है, जब एग्जाम में वो बच्चा जाता है तो सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट कर देता है और बायोलॉजी ट्राई करता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है उसका केमिस्ट्री, और फिर तीसरे नंबर पे उस बच्चे का आता है फिजिक्स। और नेचुरली फिजिक्स वो जानता है कि उसका वीक है, और फिजिक्स के लिए कई बार बच्चे 1 घंटे का टाइम बचा लेते हैं, कई बच्चे 50 मिनट का बचाते हैं, कई बच्चे तो 1 घंटे 10 मिनट भी बचाते हैं, फिर भी उनसे क्वेश्चंस नहीं होते। बायोलॉजी को वो एक डेफिनेट टाइम में सॉल्व करते हैं और सोचते हैं कि यार बायोलॉजी को मैं किसी भी हालत में 1 घंटे में सॉल्व कर लूं, कोशिश करूं, 1 घंटा नहीं होते, 1 घंटा 10 मिनट हो जाए, तो इस तरह से वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। फिर केमिस्ट्री सोचते हैं 50 मिनट में हो जाए, तो 3/4 ऑफ द पेपर आउट ऑफ यू नो 4 सेगमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, वो सोचते हैं कि 3/4 ऑफ द सेगमेंट दे शुड फिनिश इन 2 आवर्स, दैट इज 2/3 ऑफ द टाइम, 1/3 में वो फिजिक्स को करें पूरा का पूरा। तो ये सभी मैक्सिमम बच्चों की स्ट्रेटजी है जो मुझे पता है, और अच्छी स्ट्रेटजी है, कई लोग इसको ट्रस्ट भी करते हैं, कई लोग इस पर सेलेक्ट भी होते हैं। थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी में अगर हम चेंज करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मीडियोकर परफॉर्मेंस है, जिनकी मीडियोकर परफॉर्मेंस का मतलब मीडियोकर बच्चा नहीं, बच्चा तो यू नो टॉपर भी वही हो सकता है, वही बच्चा फेल हो सकता है। कई बार आप देखते हो, आप परफॉर्म करते हो और 10 नंबर 20 मार्क्स के टेस्ट में, और कई बार आप 20 out of 20 लेके आते हो। जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती तो आपका बहुत पुअर रिजल्ट आता है, प्रिपरेशन होती है अच्छा आता है, आप वही रहते हो लेकिन आपके रिजल्ट बदलते रहते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। तो कभी भी मार्क्स के बेसिस पे किसी बच्चे को जज नहीं कर सकते हम, क्योंकि मार्क्स हो सकता है उसके बिना प्रिपरेशन के हो। तो इसलिए मैं कभी भी किसी बच्चे के मार्क्स आता है बोलता हूं ये बच्चे की प्रिपरेशन का आउटकम है, बच्चे का आउटकम नहीं है। तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या है उस पर चलो बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी ये है कि 3 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर होगा, मैं 3 घंटे ही मान के कर रहा हूं क्योंकि अपने यहां मैं टेस्ट 3 घंटे ही करा रहा हूं। आप 5 मिनट स्पेंड करिएगा पूरे टेस्ट पेपर को रीड करने में, 5 मिनट शुड बी स्पेंड ऑन द टेस्ट पेपर टू रीड द पेपर थॉरोली। 5 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ना एट ए ग्लैंस इज नॉट वेरी टफ जॉब, ये आप लोग करते हो। 5 मिनट में आपकी आंख स्कैन कर लेगी और आप जब भी पढ़ो आप क्वेश्चन को कैटेगराइज करो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अब वो कैटेगरी अपने हिसाब से पी क्यू आर बी कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हो, लेकिन एक बार सेट होना चाहिए दिमाग में। अब ए कैटेगरी मान लो सबसे इजी, बी कैटेगरी थोड़ा मीडियम, और सी आपको नहीं आता, ये आप आइडेंटिफाई कर लो। पेपर को पूरा देखते ही 200 क्वेश्चन, 180 मान के चल रहा हूं, उसमें से आपको 90 से ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे ये तो बहुत इजी है और ये थ्योरेटिकल है, आप जानते हो क्रैमिंग बेस्ड है, तो आप ये आराम से उस पर ए टिक लगाओगे, बिलीव मी ऐसा होगा। जैसे ही आप ए टिक लगाओगे आपका माइंड पैरेलल, बिकॉज माइंड पैरेलल में कई काम करता है, आपको बताने लगेगा कि आपके 360 नंबर तो आने वाले हैं या 400 टच करने वाले हो, इससे पहले आपने 400 ही स्कोर किया है टेस्ट में, 450 स्कोर किया है या जो भी इसके आसपास किया होगा। तो अब आपका दिमाग कहने लगा कि आपके पास 50% से ज्यादा मार्क्स तो आ गए,
फिर बी कैटेगरी में जो रिमेनिंग के 90 क्वेश्चन होंगे उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन बी कैटेगरी में आ जाएंगे या ज्यादा आ जाएंगे। मैं बहुत ही एवरेज परफॉर्मर, जो बच्चे का 3-4 टेस्ट में बहुत एवरेज मार्क्स आ रहा है, उस बच्चे की बात कर रहा हूं। और आखिरी सी कैटेगरी में आपके 30-40-50 जो भी क्वेश्चन हैं वो बचेंगे जो मुश्किल लगेंगे। अब आप इन क्वेश्चन को अपने ही सीक्वेंस से सॉल्व करो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप देखोगे कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप एक घंटे में सॉल्व कर लोगे। मोर देन 50% मार्क्स आपके लेस देन 1 आवर में 1/3 टाइम में आ जाएगा। 33% टाइम में यू विल बी एबल टू स्कोर 55% to 60% मार्क्स। ऐसा होगा एंड बिलीव मी, ऐसा करते ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको फिर एकदम पॉजिटिविटी से भर देगा। फिर जो आपको हल्का सा डाउट वाले क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें भी हो जाएंगे और उसमें आपको लगेगा 1 घंटे का टाइम। यानी रेस्ट जो बचा हुआ है उसका आधा यानी 25% क्वेश्चन समझ लो, 50% तो आपने 1 घंटे में कर लिया, रिमेनिंग 50% का 50% क्वेश्चन आप अगले 1 घंटे में कर लोगे। तो इस तरह से आपके 360 मार्क्स बन गए 50% और 180 और बन गए। तो 360 और 180 540 नंबर आपने कर लिया सिर्फ 2 घंटे में। 540 अगर आपने 2 घंटे में कर लिया तो रिमेनिंग आपके पास 1 घंटा बचा हुआ है। आई एम श्योर जो शुरू में पढ़ते टाइम तुम्हें लगा होगा कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, और मैं तुम्हें दावे के साथ कह देता हूं फिजिक्स में खासतौर पे कई क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती है, बड़े सारे लाइंस होते हैं कि आप तीसरी लाइन तक जाओ तो पहली भूल जाता है, पांचवी तक आओ दूसरी भूल जाता है, इतने बड़े लाइंस, वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ऐसे ही जो बड़े क्वेश्चन दिखते हैं कई बार डायग्राम वाले दिखते हैं, और अगर हम उन्हें कूल माइंड से पढ़ें तो हमें बहुत आसान दिखते हैं लगेंगे वो हमें बहुत आसान लगने लगते हैं वो। ऐसे ही क्वेश्चन हम घर पे आके जब उसका सोल्यूशन देखते हैं सोचते हैं अरे यार इसको ट्राई क्यों नहीं किया, तो बहुत आसान था, मैं तो वैसे ही डर गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, IIT में भी होते हैं और मेडिकल में भी होते हैं। तो जब आप 540 नंबर तक सिक्योरिटी अपने अंदर 2 घंटे में ले आओगे तो आखिरी का 1 घंटा आपको रिवार्ड करना शुरू कर देगा और आप एकदम सिलेक्शन के पास चले जाओगे। एक बार इसकी पूरी समरी कर देता हूं कि पहले आप क्विक रिवीजन करोगे, क्विक रिवीजन करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लिखते जाओगे हाथ के साथ ABC कैटेगरी कर दोगे क्वेश्चंस की, ABC के बारे में बता चुका हूं, और उसके बाद अटेम्प्ट करोगे अपने सीक्वेंस के हिसाब से। सबसे पहले सबसे इजी ए कैटेगरी, एंड आई कैन एश्योर यू 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके ए कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो आप 1 घंटे में सॉल्व कर लोगे। यानी 1 घंटे में आप 720 की जगह पे का के पेपर में 360 नंबर स्कोर कर लोगे जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। अगले 1 घंटे में आप 180 क्वेश्चन और कर लोगे जो आपका स्कोर समअप कर देगा 540, और उसके बाद आखिरी के 1 आवर में आप जितना भी कर पाओ वो बोनस होगा और आप अपने सिलेक्शन तक जरूर पहुंच पाओगे। तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग था मेरा, छोटा वीडियो रखना है इसलिए बहुत डिटेल तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने कम्युनिटी चैनल पे बहुत सारी ऐसी चीज शुरू कर रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा। तो अगर बच्चा ना देख पाए तो पेरेंट भी देख के बता सकते हैं, पेरेंट भी जुड़े इस मुहिम के साथ और कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।